नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। गढ़साना से हमारे संवाददाता शिव शंकर बिश्नोई की रिपोर्ट के अनुसार जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने बुधवार को गढ़साना क्षेत्र के दौरे के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया तथा अध्ययन कक्ष में अध्यापक द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है की जानकारी के लिया। जिला कलेक्टर छात्रों के साथ बेंच पर बैठ गए। जिला कलेक्टर नकाते का कहना है कि बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षक पूर्व तैयारी के साथ कक्षा में आए, जिससे अध्यापन की गुणवत्ता बढ़ेगी। उन्होंने विद्यालय की साफ सफाई को देखा तथा निरंतर सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। इसी प्रकार जिला कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़साना का भी निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सालय में दवाओं की उपलब्धता, सफाई व्यवस्था को देखा तथा चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में उपलब्ध सभी उपकरण चालू हालात में होने चाहिए। अगर कोई उपकरण खराब है तो उसे तत्काल ठीक कराया जाए, जिससे रोगियों को अनावश्यक परेशानी न हो। जिला कलेक्टर ने चिकित्सालय में रोगियों से बातचीत की तथा उन्हें दवा मिलने इत्यादि की जानकारी ली। इस दौरान वे मीडिया से रूबरू हुए। शिव शंकर बिश्नोई ने रोटरी चौक से राजकीय चिकित्सालय तक बनी रोड से अवगत करवाया। उन्होंने उच्च अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए 3 दिन में रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने आम जन के प्रार्थना पत्र लिए और समस्याओं को तुरंत समाधान करने की बात कही। केंद्रीय दल के विजिट के दौरान मैं गढ़साना के आया था, तो जाते जाते मैंने औचक निरीक्षण CSC का किया। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के बारे में प्रगति का चेक कर लिया, तो उसमें दवाइयाँ पर्याप्त उपलब्ध है और निःशुल्क जांचें भी हो रही है। आज भी कोई 213 प्रकार की जाँचें हैं, 213 जाँचें हो चुकी हैं। और जो जच्चा और बच्चा का जो वार्ड है, उसमें मैंने पेशेंट से बात करी है, डिलीवरीज भी हो रही है और डॉक्टर्स की देखरेख अच्छी है, ये मुझे फीडबैक मिला है। और कुछ जो वस्तुएं सामान पड़े हुए हैं, जो बेड है या कूलर है, आने वाली गर्मी के सीज़न को देखते हुए उनको समय रहते ठीक करने के निर्देश हमने डॉक्टर साहब को दिए हैं। और उनको किसी प्रकार की ज़रूरत है, कोई और डिपार्टमेंट का सहयोग आवश्यकता है, तो तहसीलदार जी और SDM साहब को बता दिया है कि इनको हर प्रकार का सहयोग करें। शुक्रिया सर, थैंक यू। इसी तरह जिले के सीमा क्षेत्र के गांवों में जिला कलेक्टर ने टिड्डी दल से हुई फसलों का नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल ने कई गांवों चक्कों के खेतों में जाकर टिड्डी से प्रभावित क्षेत्र को देखा और इस अवसर पर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते भी मौजूद रहे। केंद्रीय दल ने गांव 16P, 17P, 11K, 14K, 17H, 18H, 19H तथा 20H सहित अन्य गाँवों में टिड्डी से प्रभावित क्षेत्र को देखा। केंद्रीय दल में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के निदेशक SD शर्मा, केंद्रीय शुष्क खेती अनुसंधान केंद्र जोधपुर के प्रमुख कीट वैज्ञानिक विपिन चौधरी, केंद्रीय दल में डॉक्टर सुभाष चंद्र चौधरी मौजूद थे। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते ने केंद्रीय दल को श्री गंगानगर जिले में टिड्डी के प्रकोप की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई बार टिड्डी दल ने खेतों में आकर नुकसान किया है, विभागों तथा किसानों के सहयोग से किस प्रकार नियंत्रण किया गया की जानकारी दी। उन्होंने 33% से 50% तक फसल खराब की जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने सुझाव दिया कि टिड्डी चेतावनी मंडल को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने अधिक संसाधनों की आवश्यकता पर बल दिया। फसलों को टिड्डी के नुकसान से बचाने के लिए क्या क्या आवश्यकताएँ होनी चाहिए तथा पूर्व तैयारी रहनी चाहिए। केंद्रीय दल ने जिला कलेक्टर को आश्वस्त किया कि टिड्डी के प्रकोप से जो फसलें खराब हुई है, उनकी नियमानुसार जो सहायता राशि बनेगी वो सरकार स्तर से स्वीकृत करवाई जाएगी। केंद्रीय दल के दौरे के दौरान SDM पवन कुमार, SDM गढ़साना, टिड्डी मंडल के उपनिदेशक बीकानेर संजय आर्य, टिड्डी मंडल सूरतगढ़ से SK मीणा, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक आनंद स्वरूप छिंपा, उप निदेशक कृषि डॉक्टर GR मटोरिया सहित कृषि विभाग बीकानेर में राजस्व अधिकारी एवं किसान उपस्थित थे।